स्वागत है आप सभी लोग जेटेक बॉस के इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप वीवो वी 15 यूज कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को मिल चुकी होगी न्यू अपडेट। अगर नहीं मिली है तो आप अपने सिस्टम अपडेट में जाकर चेक कीजिए, आपको अपडेट मिल चुकी होगी। 5 माइक की जो अपडेट है वो मुझे मिली थी, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था और आप सभी लोगों को मिली थी और वो अपडेट अच्छी थी। और अभी जून की अपडेट आई है तो जून की अपडेट थोड़ा लेट हो गई है आने में, तो वो अपडेट अपने को मिल गई है, आपको अपडेट कर लेना चाहिए। ये भी अपडेट बहुत अच्छी है तो मैं आप सभी लोगों के सामने अपडेट करके बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि मुझे कौन सी अपडेट मिली है, कौन सा वर्जन है और कितने MB का अपडेट है, पूरा डिटेल्स दिखा दूंगा। और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अपडेट कर लेना चाहिए, हर महीने की जो सिक्योरिटी अपडेट आती है न्यू फ़ोन में आपको अपडेट करना ही चाहिए। और इसका जो भी डिटेल्स होगा इस अपडेट के बाद, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या बग्स फिक्स हुआ और क्या नहीं, वो पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ कि अपडेट कितने MB की है और कौन सा वर्जन है और कौन सी तारीख का है। तो चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अपडेट मुझे कब मिली है और कितने MB की मिली है और इसमें क्या क्या बग्स फिक्स किया गया है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सिस्टम अपडेट में और पहले अपडेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए सामने अपडेट वर्जन दिखा रहा है 1.22.2, 263 MB का अपडेट है, ज़्यादा बड़ी अपडेट नहीं है। और इसमें जो फिक्स किया गया है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया गया है, मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख ले रहा हूँ, मल्टीमीडिया को ऑप्टिमाइज किया गया है और गेम का परफॉर्मेंस जो है वो सही किया गया है और अवार्ड सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज किया गया है, सिस्टम अपग्रेड किया गया है। तो मैं आपको बताऊँगा इसको डाउनलोड करने के बाद और एक दिन यूज करने के बाद कि किस तरह की अपडेट है। इसी वीडियो में मैं सारा डिटेल्स मैं बता दूंगा क्योंकि ये वीडियो लेट बन रही है, तो मैं पूरा यूज करने के बाद, एक हफ्ते यूज करने के बाद आपको बता पाऊंगा कि ये किस तरह की अपडेट थी। तो चलिए मैं इसको अपडेट में लगा दिया हूँ। अगर आप वीवो वी 15 यूज कर रहे हैं तो आपको जैसे ही अपडेट मिलती है ये अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मई के बाद ये जून की अपडेट आई है और जून के बाद जुलाई की अपडेट आने वाली है। तो अगर आप जून की अपडेट नहीं लेते हैं तो जुलाई की अपडेट आपको नहीं मिलेगी, तो आपको मंथली अपडेट जो मिलती है सिक्योरिटी के लिए, उस अपडेट को आपको हर अपडेट को करना चाहिए, क्योंकि उसमें जितने भी बग्स आते हैं आपके फ़ोन में हर महीने कुछ भी यूज करने समय, वो बग्स को फिक्स किया जाता है कंपनी के द्वारा, डेवलपर टीम अपडेट भेज के इसको फिक्स करते हैं। मैं जो यूज कर रहा हूँ, मुझे इस अपडेट को करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि हाँ मुझे क्या फ़ायदा हुआ था। जैसे मई की अपडेट जब आई थी, मैंने अपडेट किया था तो मेरा कैमरा का क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो गया था, तो उसी तरीके से इसमें देखता हूँ कि जो बग्स फिक्स किया गया, मल्टीमीडिया में कभी कभी हैंगिंग का प्रॉब्लम आने लगा था, तो अभी इस अपडेट के बाद सही हुआ है कि नहीं। अगर आप वीवो V15 यूज करते हैं और आपको भी किसी वीवो V15 से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, उसका सलूशन भी दूंगा। तो चलिए मैं इसको अपडेट कर लिया हूँ, आज की 87 हो चुका है। तो अब मैं लेके चलता हूँ सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से सिस्टम में ले जाकर दिखाता हूँ कि मैं अपडेट किया हूँ कि नहीं। यहाँ देखिए ऊपर अपडेट हो चुका है, लेटेस्ट वर्जन 1.22.20 जो है द न्यू वर्जन दिखा रहा सिस्टम अपडेट में। देखिए ऑप्टिमाइज द गूगल सिक्योरिटी पैच टू प्रोवाइड मल्टीमीडिया में, देखिए ऑप्टिमाइज कर दिया, स्टेबिलिटी ऑप्टिमाइज किया गया है, जो जितना भी आप एक साथ फाइल खोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और गेमिंग का परफॉर्मेंस को भी सही किया गया, ऑप्टिमाइज किया गया, ऑवर सिस्टम को भी सही किया गया है। और मैं जब इसको अपडेट किया और इसको यूज किया उसके बाद मुझे बहुत स्मूथ, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा दिखा मुझे मल्टीमीडिया में देखा, क्योंकि मेरे फ़ोन में कभी कभी जब ज़्यादा ऐप खोल देता था तो लैग होने लगता था, वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, स्मूथ चलने लगा है। तो आप लोगों को अगर अपडेट मिलती है तो अपडेट कर लीजिए, और अगर आप PUBG खेलते हैं अपने फ़ोन में या और भी कोई बड़ा गेम खेलते हैं तो अपडेट आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये गेम के ऊपर भी अपडेट है। इसमें कैमरा को इम्प्रूव नहीं किया गया है, यहाँ देखिए सामने में दिखा रहा मॉडल नंबर GMI वर्जन और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो है 2019/6/5 का है, जो 5 मई की मिली थी और अभी अपने को 5 जून की मिली है और 5 जुलाई की मिलने वाली है, तो ये एक हफ्ते लेट हो गया ये वीडियो। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट कीजिए, अपने मोबाइल में जाके चेक कीजिए सिस्टम अपडेट में कि अपडेट मिली है कि नहीं। अगर आपको अपडेट मिल चुकी है तो अपडेट कर लेना है, क्योंकि ये अपडेट बहुत अच्छी है। और जैसे ही अपडेट करेंगे उसके कुछ दिन के बाद ही आपको जुलाई की भी अपडेट मिल जाएगी, तो जुलाई की जैसे ही अपडेट मिलेगी मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, तो उस वीडियो का भी आपको वेट करना है। और आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करना है, अपने फ्रेंड लोग के साथ जितने भी वीवो V15 यूज करते हैं उनको शेयर करना है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, वीवो V15 से रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो थैंक यू, आवाज फिर मिलेंगे अगली वीडियो।